आज हम एक नया मॉड्यूल लेके आए हैं आपके लिए। हमने लास्ट देखा था कि बारकोड प्रिंटिंग लेबल करने हैं आपको, बारकोड लेबल्स, तो आप टैली कैसे कैसे कर सकते हैं। तो हम आज लेके आए हैं कि अगर आपको अपने प्रोडक्ट के क्यूआर कोड जनरेट करने हैं लेबल प्रिंटिंग के फॉर्म में, प्रोडक्शन साइट से या परचेज एंट्री करते वक्त या आइटम मास्टर से, तो आप कैसे कर सकते हैं। और ये क्यूआर कोड आपका स्कैनेबल भी होगा, जैसे ही आप स्कैन करोगे टैली में उसकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि क्यूआर कोड लेबल प्रिंटिंग टैली से हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाना चाह रही हूँ क्यूआर कोड हम स्टॉक जर्नल की एंट्री से, यानी कि अगर मेरा कोई प्रोडक्ट प्रोडक्शन में है और वहां से मुझे उसके लेबल्स प्रिंट करने हैं तो कैसे करेंगे। तो एक नॉर्मल एंट्री की है मैंने, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मॉड्यूल में जैसे हमारे पास बारकोड में फैसिलिटी थी, वैसे ही ऑटोमेटिक क्यूआर कोड जनरेशन है और मैन्युअल दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। इसके साथ थिकनेस शीट, ये कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर है, एज पर द मॉड्यूल रिक्वायरमेंट हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं। उसका लेबल क्वांटिटी आ गया इस तरह से। इस एंट्री में कुछ मैंने दो आइटम लिए हैं, तो चलिए इसका क्यूआर कोड कैसे प्रिंट होगा देखते हैं। यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड में ऑप्शन है क्यूआर का, टोटल 26 लेबल जनरेट हो रहे हैं, और यहाँ पे उसकी आइटम की डिटेल, प्रोडक्ट, थिकनेस, बैच, शीट नंबर, और ये आ गया हमारा क्यूआर कोड। तो इस तरीके से टोटल मेरे 26 लेबल्स जनरेट हो गए हैं। इसको लाइव प्रिंटिंग करके हमने एक वीडियो फॉर्म में आपके लिए जनरेट किया है कि अगर वो प्रिंटर पे जाएगा तो वो किस तरीके से लाइव प्रिंटिंग होगा। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने अभी टेस्ट किए हैं और ये मैंने प्रिंट दिया है, और ये अभी सो वेरी स्मूथली वो सारे मेरे लेबल्स प्रिंट होके आ गए। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट के क्यूआर कोड टैली में से प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर आप ये मॉड्यूल अपने यहाँ ट्राई करना चाहते हैं, अपने टैली में क्यूआर चेक करना चाहते हैं, तो हमें कांटेक्ट जरूर कीजिए। हमारी कांटेक्ट डिटेल्स मैं आपको वापस से शेयर कर दे रही हूँ। अगर इसका डेमो या ट्रायल देखना है तो भी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कीजिए। और ये मॉड्यूल आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा कमेंट में, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हम नए नए ऐसे वीडियो आप तक पहुंचा सके। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।